मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में आदिवासियों के साथ लगातार हो रही घटनाओं और हत्याओं को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। दरअसल खरगोन हत्याकांड की जांच कर वापस लौटी कांग्रेस के जांच दल के सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जांच कमेटी के सदस्यों ने नेमावर, नीमच और खरगोन में आदिवासियों की हत्या के लिए शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं खरगोन हत्याकांड की सीबीआई जाँच की मांग करते हुए पीड़ित परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग सरकार से की और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जो हमेशा होता रहा, प्रशासन जो लिपापोती करता है, हम लोग को बताया गया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा के ये चोटें पुरानी थी। मैं आप सब लोगों से ये जांच पूछना चाहती हूँ कि अगर चोटे पुरानी थी तो फिर इसको पुलिस रिमांड पे क्यों लिया, उसको जेल में क्यों ले गए? अगर चोटे पुरानी थी तो आपको उसको अस्पताल में भर्ती करना था, आपने उसको पुलिस रिमांड पे क्यों लिया, पुलिस कस्टडी में क्यों लिया? ये आपके, मैंने उनसे कहा कि आपके प्रश्न से प्रश्न उद्भूत होता है। आप बोल रहे हो कि चोटे पुरानी है, तो फिर मेरा ही आपसे प्रश्न है दोबारा कि आप उसको जिला अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं किया, आप उसको पुलिस रिमांड पे क्यों ले गए? और फिर अगर एक की चोट पुरानी थी तो दूसरे की भी वैसी की वैसी चोट, जो ब्लंट ऑब्जेक्ट से उसको, जो अभी ये बाउसिंग है, जो अभी एडमिट है जिला चिकित्सालय में, उसको भी उसकी बैक साइड में हिप पर उसको भी पुलिस की, उसकी भी डंडे से चोटें हैं, उसका पूरा एब्रेजन है, उसको नीले नीले पूरे दाग है। हम जब उसको मिलने गए सारे विधायकों की टीम, तो वहां पुलिस के जो जवान खड़े थे उन्होंने तुरंत एसपी से बात की और एसपी से पूछ के हमारे सामने कहता है, एसपी ने कहा कि नहीं, न्यायालयीन प्रकरण है, हम आपको मिलने नहीं देंगे, क्यों जेल के अंदर भी तो कभी पूछ कर लोगों से मिलने देते हैं या परिवार से मिलने देते हैं। लेकिन एसपी साहब ने उसको मैसेज किया, हमारे सामने बात की कि नहीं, न्यायालयीन प्रकरण है इसलिए इनको मिलने नहीं दिया जाएगा। तो वो जेल को अस्पताल के जब कमरे में था तो मैंने कहा कि थोड़ा सा दरवाजा हटा भाई कांस्टेबल को, और मैंने कहा मेरे को रूबरू देखने दे, देखे तो सही कि कहीं ये तो नहीं कि वो भी मृत्यु के पायदान पे खड़ा है। जब वो उसको हटाया दरवाजा, तब मैंने उससे बात की, मैंने कहा तू मेरी चोट, हम सब विधायक थे, ग्यारसी भाई थे, रवि भाई थे, बाचीलाल थे, जुमा सोलंकी जी थी, केदार थे जो वहाँ के विधायक हैं। जब मैंने चोटे हमने देखी, बड़ी मुश्किल से बिल्कुल आड़ गए थे वो लोग, लेकिन हमने कहीं ना कहीं से वो देख ली, उसकी भी वैसी चोटें हैं जैसे मृतक की थी। तो मेरा ये प्रश्न था उनसे कि आप मृतक की चोटें पुरानी बताकर बता रहे हो कि सेप्सिस होने से उसको वो डेथ हुई है, तो भाई फिर ये दूसरे वाले को भी वैसी चोटें क्यों है जिसको आपने जिला चिकित्सालय में भर्ती किया है? खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।